हेलो भाई, मैं विवेक गुप्ता। तो भाई, मैं जो इतने दिन से बोलते आ रहा हूँ एक्सेल रिस्क का वेड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी और ये बिल्ड क्वालिटी कि काफ़ी अच्छी है, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आज मैं इस चीज़ को प्रूव करने वाला हूँ इस वीडियो में, लाइव प्रूफ करने वाला हूँ। मतलब ये जो मैं बोलते आ रहा हूँ ना, बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है इस गाड़ी की, क्योंकि सच है। इसके पहले मेरे पास ब्रेजा थी, उसकी भी मतलब इतने भारी टूर लगते नहीं थे, जबकि वो 4-स्टार रेटेड गाड़ी है, लेकिन इतने भारी लगते नहीं थे जितना मुझे इसके लगते हैं। वो चीज़ मैं आप आज को इस वीडियो में मैं आपको आज प्रूव करूँगा। वो चीज़ मेरे पास एक वीडियो आई है, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी, मतलब मैंने उसी दिन देखी थी, लेकिन ये थोड़ा लेट में शूट कर रहा हूँ। अभी देखिए, ये निखिल भाई का चैनल, निखिल राणा नाम के एक यूट्यूबर का चैनल है। इसमें निखिल भाई मतलब सेफर कार फॉर इंडिया का एक मिशन चला रहे हैं, मतलब जितने भी सेफर कार्स हैं उसके बारे में बताते हैं। तो इसमें एक वीडियो मैंने देखी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सेल रिक्स है और फुल स्पीड 140-160 में चल रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर जितने पे ये है, तो अगर देखा जाए इसका स्पीड तो 160 यहाँ पे है, 160 की स्पीड में चल रही थी, और अचानक से टर्न आ गया जिसके वजह से गाड़ी अनकंट्रोल्ड हो गई और जाके डायरेक्ट लड़ गई। ये अनकंट्रोल्ड होके डायरेक्ट जाके यहाँ से लड़ गई, आप देख सकते हैं पूरा वीडियो में, जो कि कुछ ऐसे हुआ है। मतलब वीडियो शूट करने के चक्कर में, थोड़ा दिखाने के चक्कर में इतना तगड़ा जाकर लड़ा दिए। ये सब बहुत ही बेकार है। मतलब आपकी गाड़ी चाहे इतना सेफ हो, लेकिन हायर स्पीड पे चलेंगे तो ये सब तो होना ही है। इसलिए एक लिमिटेड स्पीड पे, एक सर्टेन स्पीड पे गाड़ी चलाएं, कभी भी ज़्यादा ओवर स्पीडिंग ना करें। अब देखिए, इतना ज़्यादा टर्न है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए, सीधे जाकर गाड़ी अभी आगे फिर जाती है। यहाँ पर जो टर्न है ये कंट्रोल नहीं कर पाते गाड़ी, ये देखिए, और सीधे जाके यहाँ पे गाड़ी भिड़ जाती है ब्रिज से। उसके बाद में गाड़ी यहाँ तक 2-3 बार रोल ओवर हो जाती है। और इन्होंने इस वीडियो में, मैंने वीडियो मतलब इनके आने के बाद मैं दोबारा क्यों बना रहा हूँ, उसका रीज़न ये कि पूरे वीडियो में एक्सेल जिसको एस क्रॉस बताते आए हैं पूरे वीडियो में, और इन्होंने जहाँ तक गाड़ी को भी नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ ये देखा मारुति की गाड़ी है। मतलब डैमेजेस कम ली है, इसी की वजह से जो सेफ गाड़ी है एस क्रॉस मारुति की, जो कि यहाँ तक अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है, उसी का नाम लेते चले गए, गाड़ी देखी भी नहीं। ये चीज़ गलत है यार, एक बार पूरा न्यूज पहले देख लेना चाहिए था अच्छे से। चलिए कोई नहीं, इसलिए मैं उसको दोबारा बना रहा हूँ आप लोग को कन्फर्म करने के लिए। बाकी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थी गाड़ी, और डैमेजेस जो खाई है मतलब बहुत ही कम डैमेजेस हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि थोड़ा आगे भगाए, ये देखिए भाई, आगे से पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई है, आगे से पूरी ख़त्म हो गई है, लेकिन काफ़ी कम डैमेजेस लिए और अंदर कैबिन में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है, जिसकी वजह से मतलब जो पैसेंजर्स थे उनको बचा लिया गया है, कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं आया, बच गए जहाँ तक मैंने ये न्यूज़ सुनी है। बाकी आपको पूरी वीडियो देखनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं इनके चैनल पर भी। तो बस ये चीज़ मेन जो है, जो मैं इतने दिन से बोलते आ रहा हूँ कि जैसे कि एक्सेल इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, जो मैं इतने दिन से बोलते आ रहा हूँ, ये चीज़ भाई सही है। क्योंकि देखो यार, इतनी भारी इसकी गेट है और काफ़ी मतलब कम इम्पैक्ट लिया है गाड़ी। मतलब 160 की स्पीड पर आप जानते हो कितना हाई स्पीड होता है, और 160 की स्पीड में अगर कोई गाड़ी भी हिट कर दिए ना, उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन ये भी ऐसी मतलब इतना भी इम्पैक्ट नहीं लिया कि गाड़ी टोटल लॉस में भेजी जाए, आप समझ सकते हैं मतलब कितना कम इम्पैक्ट गाड़ी ने लिया है। जरूर इस गाड़ी का जी एन कैप में टेस्ट रेटिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसका क्रैश टेस्ट रेटिंग देखने के लिए, क्योंकि अर्टिगा की बिहाफ पे इसको 3-स्टार देंगे, लेकिन ये अर्टिगा से भी काफ़ी मुझे मतलब उसी का स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, लेकिन अर्टिगा से मुझे काफ़ी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी में अच्छी लगती है। फ्रॉम माई ओपिनियन इसका जल्द से जल्द जी एन कैप में टेस्ट होना चाहिए। बाकी यार बहुत ही मजबूत गाड़ी है एक्सेल दिख मेरे हिसाब से। अब तो 4 एयरबैग्स आने लगे हैं, बहुत सारे फीचर्स बढ़ा दिए, सेफ्टी फीचर्स तो और ज़्यादा मजबूत हो गई है। ये पुराना वाला मॉडल है जो कि हम लोग के पास है, तो मेरे हिसाब से गाड़ी तो मजबूत है। बाकी आप लोग अपना अपना कमेंट में बताइएगा, आप लोग को ये गाड़ी कैसे लगती है, मतलब है मजबूत कि नहीं। जितना मैं अपना पर्सनली ड्राइव किया हूँ, कितना मैंने पर्सनली मतलब एक्सपीरियंस किया है गाड़ी के साथ, मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड गाड़ी लग रही है। बाकी आप लोग का अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, निखिल भाई को ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। बस आज के वीडियो में इतना ही, आज तक तो सुबह जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।